जानते हैं साउथ अफ्रीका जाना जाता है अपनी खूबसूरती के लिए, हीरो की खदानों के लिए और खूबसूरत नेशनल पार्कों के लिए। पर मैं आज आपको एक ऐसी बात या कहें तो ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगा कि आप साउथ अफ्रीका को इस कारण से भी याद रखेंगे। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, पर हाँ यह 100% सच्ची घटना है। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में एक परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसकी उम्र मात्र 5 साल थी। ये परिवार वहां के एक मंदिर में जाया करता था। यह मंदिर इस्कॉन का मंदिर था। आप सभी लोग इस्कॉन को जानते हैं, जहां रोज भगवान की कृष्ण रूप में कई तरह से पूजा होती है, कई तरह के कीर्तन और भजन भी गाए जाते हैं। उन्हीं भजन में एक थी नरसिंह देव की आरती। क्योंकि यह परिवार भारतीय मूल का नहीं था, उन्हें यह सब समझ में नहीं आता था, पर उन्हें यह बहुत ही अच्छा लगता था। उनकी बेटी को भी नरसिंह देव की आरती बहुत पसंद थी, हालांकि उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो लड़की अपने दोस्तों को नरसिंह देव की फोटो दिखाती और बताती, देखो ये मैंने इंडिया में सीखा है, मुझे नरसिंह देव बहुत पसंद है, और वो उन्हें लायन गॉड कहती थी। इस तरह से उसके सारे दोस्त भी उन्हें ओ लायन गॉड कहते थे। वो हमेशा खेलते वक्त नरसिंह देव को याद करती और नरसिंह देव की आरती गाती रहती। इस तरह वो एक दिन सड़क में बॉल खेल रही थी और उसके पिताजी उसको घर की दूसरी मंजिल से देख रहे थे। वो लड़की अपने खेल में पूरी तरह व्यस्त थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक बहुत बड़ा ट्रक उसकी तरफ आ रहा था, और वो भी पूरी स्पीड से। वो ट्रक आया और उसने लड़की को बहुत तेज से धक्का मारा। बेचारी लड़की 20 मीटर दूर जाकर हवा में लहराते हुए गिरी। जिन लोगों ने ये देखा उन्होंने सोचा कि बेचारी लड़की मर गई। उस लड़की के पिताजी खिड़की से देख रहे थे। वो भागते हुए नीचे आए। उन्होंने तुरंत लड़की को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए और लड़की के सारे टेस्ट करवाए गए, सारे एक्सरे निकाले गए। लड़की बेहोश हो चुकी थी। एक्सीडेंट की गंभीरता को देखते हुए लड़की को आईसीयू में भर्ती किया गया था। नर्स डॉक्टर के पास एक्सरे लेके आई। जब डॉक्टर ने एक्सरे देखा तो बोला, नहीं ये वाला नहीं, उस लड़की का एक्सरे लेकर आओ जिसका अभी एक्सीडेंट हुआ है और जो आईसीयू में है। नर्स, ये उसी लड़की का एक्सरे है सर। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एक छोटी सी लड़की जिसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उस पे एक भी फ्रैक्चर नहीं, कोई बड़े बड़े घाव के निशान नहीं। उसने फिर से नर्स से पूछा, ये मजाक का समय नहीं है, लड़की को अभी आईसीयू में, जो लड़की अभी आईसीयू में आई है उसका एक्सरे लेके आके दो। नर्स, सर मैंने क्रॉस चेक किया है, ये उसी लड़की का एक्सरे है। डॉक्टर को लगा कि वो सही नहीं सोच रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत उस लड़की के कमरे में गया। उन्होंने फिर से उस लड़की को ठीक से चेक किया, हर जगह दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह। जब उन्होंने उसकी पीठ देखी तो देखा जैसे किसी जानवर के पंजों के निशान है हल्के, कुछ पंजों के घिसने जैसा वहां पे मिला। डॉक्टर ने तुरंत उस लड़की के पिताजी से पूछा, आपने तो रोड एक्सीडेंट रिपोर्ट किया है, क्या ये रोड एक्सीडेंट है या किसी जानवर का आक्रमण है? क्या किसी जानवर ने उस पर अटैक किया है? पिताजी, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने खुद एक्सीडेंट होते हुए देखा है। जब तक वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे कि तभी लड़की को होश आ गया। उसके होश में आते ही डॉक्टर नर्स और सब लोग पूछने लगे, बेबी क्या हुआ था? 5 साल की बच्ची ने कहा, कुछ नहीं, वो ट्रक आया तभी लॉयन गॉड आ गए, नरसिंह देव आए और उन्होंने मुझे थाम लिया। पर पापा, नरसिंह देव स्वामी के बाल बहुत मुलायम है, पर वो अपने नाखून क्यों नहीं काटते? उनके नाखून बहुत बड़े हैं और अगर मेरी टीचर देखेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। डॉक्टर तो माना दूसरी दुनिया में ही था, उसके आश्चर्य के ठिकाने ना रहे। मीडिया वाले आ गए और एक छोटी सी कहानी मीडिया में पब्लिश हुई। आज वो डॉक्टर और नर्स दोनों सच्चाई की खोज में और आध्यात्मिक की खोज में मंदिर जाते हैं।
भगवान के नामों का जाप भी करते हैं। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमारे जीवन को एक नया मकसद देती हैं, हमारे बच्चों को एक ऐसी नई ताकत और हिम्मत देती हैं जिससे वो जीवन को सकारात्मक तरीके से जी सके, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह अपनाए। अगर आपको लगता है कि यह कहानी या इस तरह की कहानियां एक नए और साफ सुथरे भविष्य को बनाने में मदद कर सकती हैं, तो अपने बच्चों को दिखाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की विशेष जानकारियां हम आप तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।